स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन क्लास टेंथ का, बेसिक मैथमेटिक्स का। दो प्रकार का मैथमेटिक्स आपके क्लास टेंथ में होता है, एक बेसिक मैथमेटिक्स और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हम आज वीडियोज लेकर आए हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन का। और केवल ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन ही नहीं है, बल्कि इसमें वो हम सारे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे जो सैंपल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको, क्वेश्चन को बनने में जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम में, टर्म टू में, फाइनल में, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं बल्कि करके आए। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म टू। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न है आपको कि 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मात्र, और इस 14 क्वेश्चन में टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तीन सेक्शन में बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे जो दो दो मार्क्स के रहेंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में आपका 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको प्रत्येक का मार्क्स 3 रहेगा, तो 4 + 12 मार्क्स इसमें हो गया आपका। और लास्ट सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रत्येक 4-4 मार्क्स के रहेंगे, तो 4×4=16 हो गया। तो 16, 12 और 12 जोड़िएगा तो टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड रहेगा, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, केवल 14 नंबर क्वेश्चन में मात्र। ठीक है ना, चलिए। तो ये आप पैटर्न समझ गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²-7x-6=0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। अब रूट्स हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके टर्म टू के एग्जामिनेशन में ये भी मेंशन कर सकता है कि इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाएं, यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। या ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कौन से पूछ सकता है वो दोनों आप देख लें, दोनों तरीका से रूट्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का वैल्यू क्या हो जाता है, -b±√d और डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें b है, d है और a है, तो भैया हमको d जानना पड़ेगा। तो हमारा पहले a क्या होता है, x के जो कोफिशियंट होता है उसे a बोलते हैं, b क्या होता है जो x का कोफिशियंट होता है, और c हमारा -x हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाता है हमारा b²-4ac। तो यहाँ से आप b² क्या निकालोगे, तो b² आपका -7 होगा, उसका स्क्वायर करोगे, -4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -6। तो यहाँ से आपका 49 होगा, और -4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72, और ये माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को जोड़िए, 9 × 2 = 11, 7 × 4 = 11 और 1 = 12। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया तो आप श्रीधराचार्य रूल यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप वैल्यूज को प्लग इन कर दीजिए। यही होता है आपका फार्मूला एक्स का। तो यहाँ पे माइनस और बी है, तो माइनस और बी खुद माइनस के साथ है, तो ये -7 भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट माइनस माइनस +7 कर दो, फिर +√। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 11 का स्क्वायर आया हुआ है, और बाई 2 × a, a का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आ गया 7 प्लस माइनस, इससे 11 बाहर आ जाएगा, और नीचे 3×2 = 6। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 7 + 11/6, और x का एक तो और वैल्यू हो जाएगा 7 - 11/6, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 11 और 7 = 18/6, जो कि कट के 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, या फिर यहाँ से आप निकालना चाहो तो यहाँ से 11 में से 7 गया तो 4 होगा, माइनस में 7 × 4 = 11 हो जाता है, और डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा ये 2×2 = 4 और 2×3 = 6, यानी कि x का वैल्यू आपका -2/3। तो फाइनल जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे x = 3 और कॉमा -2/3, और इसको एक डब्बा में बंद करके स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप और ऐसे आंसर लिख दोगे, उसे देखने में अच्छा लगता है। तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हम आपको बना के बताएं, अब इसे ही हम लोग बाई फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखेंगे, क्योंकि दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जरा फैक्टराइजेशन मेथड को देखा जाए क्या आएगा, क्या होता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन
मेथड, जिसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये किनारे किनारे का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 3x² यानी कि 6 × 3 = 18x². अब क्या करो, इस 18 को फैक्टराइज करो, तो 2 से ले जाओ 2 × 9 = 18 और 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 1 = 3। तो अब इसी पेयर से आपको ये बीच वाला 7x बनाना है, तो आप 1 2 ले लो और बाकी 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 9 ले लो। तो 9 और 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा। तो सबट्रैक्ट ऐसे किया जाता है कि साइन भी मद्देनजर रखा जाता है। तो साइन में माइनस है तो माइनस को लाना है, तो बड़े वाला में माइनस कर दो और छोटे वाला में प्लस कर दो, घट के आ जाएगा -7। और ये जो x स्क्वायर है इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं किए थे, तो वो x और x इसमें जोड़ देते हैं। अब यही वाली क्वांटिटी को यहाँ पे -7x के जगह पे रख देंगे, क्योंकि -7x को +2x - 7x भी रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी 7x ही आएगा। तो ये हो गया +2x और -9x -6 = 0। यहाँ पे आप -9x +2x भी कर सकते थे, मैंने इसको यहाँ भी, लेकिन माइनस के साथ 9x लाते, ये नहीं कि +9x कर दो और -2x कर दो, तब गड़बड़ हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे जरा बताओ, इन दोनों में से अलग अलग है ना, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हमारा x। तो क्या बचा यहाँ बचेगा हमारा 3x और प्लस यहाँ बचेगा 2, क्योंकि केवल और केवल x कॉमन है। फिर यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा -3, तो ये 3 × 3 = 9x हो गया, और ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हो, और 3 × 2 = 6 = 0। अब ये और ये मैच कर रहा है तो वापिस से हम लोग कहेंगे कि 3x प्लस 2 कॉमन हो गया। अब इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा माइनस का 3 = 0। ठीक है जी, अब 3x प्लस 2 है और ये x माइनस 3 = 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो या तो ये वाला प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा या फिर x माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 3x का वैल्यू आ जाएगा -2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा -2/3, और यहाँ से आपका x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर फिर भी वही आएगा, x = 3 और x = -2/3। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, चलिए उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब कि k का वैल्यू बताना है जिसके चलते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल आए और इक्वल आए। तो रूट्स रियल और इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यही कंडीशन होता है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो सबसे पहले abc पहचानिए, तो a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 3। b होता है x का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा k, और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो वो भी हो जाएगा 3। अब b का स्क्वायर का मतलब हुआ k का स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 3। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन बनाना है आपको, और करके दिया है ना, लेकिन हम दोनों बता रहे हैं क्योंकि दोनों तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा k² - 12 = 0, यानी कि k² - 36 = 0, यानी कि k² आपका हो जाएगा 36, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा +√36, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा आपका +-6। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि k = 3 और -3, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लिख लीजिए, इसका रूट जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 cubes ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। कह रहा है कि 3 cubes को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, ठीक है ना, एंड टू एंड है ना, एंड टू एंड जोड़ दिया गया। आप फिगर देख सकते हैं कि 3 cubes को कैसे जोड़ा जाता है। कह रहा है कि 3 cubes को जब एंड टू एंड जोड़ दिया गया तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। अब बन गया क्यूबॉइड, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हो जाता है हमारा 2 × LB + BH और + HL।
लेकिन अब लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, लंबाई जो नया वाला होगा हमारा 3x हो जाएगा, क्योंकि x x x है, और ब्रेड जो है हमारा x ही रहेगा, क्योंकि ब्रेड में कोई बदलाव नहीं होगी और हाइट में भी कोई बदलाव नहीं होगी, वो भी x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 इंटू एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3x इंटू बी के जगह पे x प्लस बी एच, यानी कि x इंटू एक्स, फिर प्लस एच एल, तो h का मतलब x और l का मतलब इंटू में 3x। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 2 इंटू ये 3x स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर और ये आपका 3x स्क्वायर, यानी कि 3 और 3 कितना होगा 9, और सॉरी 3 3 6 और 6 और 1 7, तो 7 टू जा 14x स्क्वायर। तो अब हमको तो साइड चाहिए, तो इन्होंने शुरू में ही दे रखा था कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि प्रत्येक क्यूब जो था उसका वॉल्यूम आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था। तो वॉल्यूम ऑफ, या V इज इक्वल टू लिख दो 64, जहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, तो अगर प्रत्येक का वॉल्यूम देखा जाए तो क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब हो जाता है, तो ये हो जाएगा 64। तो यहां से आप एक्स का वैल्यू अगर निकालो तो एक्स क्यूब को लिख सकते हो 4 का क्यूब, अब ये क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहां पे 4 रख दो तो ये 14 इंटू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 16, तो 16 4 जा 64, कैरी हो गया 6, 16 1 जा 16 और 6 22 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम जो था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपका स्टेटिस्टिक्स का है। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज बाई अ स्कूल, एक स्कूल के द्वारा मैच ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाई द स्टूडेंट इज गिवेन बिलो, और स्टूडेंट ने जो रन बनाया वो इस तरह से दिया गया है कि 0 से 20 रन बनाने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 4 है, 20 से 40 रन बनाने वाले 6 हैं, 40 से 60 के बीच में रन बनाने वाले 5 है, 60 से 80 वाले 3 हैं, और 80 से 100 रन बनाने के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 4 हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द मेडियन रन स्कोर्स, जो मेडियन रन स्कोर्ड है वो बताइए। तो मेडियन क्या होता है, ठीक बीच वाला डाटा। तो ठीक बीच वाला डाटा को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है, और उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है उसका ठीक बीच वाला जो डाटा होता है वही हमारा मेडियन कहलाता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है इसको अगर जोड़ा जाए, तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बना लो पहले, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो पहले में 4 ही आएगा, अगले में 4 और 6 को जोड़ा जाएगा, तो 6 4 10, फिर 10 और ये 5 को जोड़ा जाएगा, यानी कि ये तीनों को जोड़ा जाएगा, तो 4 प्लस 6 प्लस 5, यानी इसको डायरेक्ट आप 15 लिख सकते हो, क्योंकि 10 यहाँ तक हो गया था और 5 15, फिर 15 और 3 18 भर सकते हो, फिर 18 और 4 22 भर सकते हो। इसका मतलब ये टोटल एडिशन जो होगा वो 22 आएगा, आप इसको जोड़ सकते हो। तो टोटल हमारे 22 स्टूडेंट हैं, टोटल हमारे 22 स्टूडेंट हैं, तो सबसे बीच वाला स्टूडेंट कौन हुआ, बीच वाला स्टूडेंट कौन हुआ, तो उसके लिए हम लिख देते हैं 22 बटे 2, यानी कि 11वां। तो 11वां स्टूडेंट कौन होगा, कितना रन, माने मेडियंस रन का मतलब क्या हुआ कि 11वां स्टूडेंट, ठीक बीच वाला जो स्टूडेंट है, मेडियंस मार्क वाला, बीच वाला जो रन है, रन वो कौन सा होगा, ठीक बीच वाला रन असेंडिंग ऑर्डर में, समझ रहे हो आप। डाटा 10 से ज़्यादा हो गया अगर n बाई 2 का वैल्यू, तो हमारा ये हो जाएगा कौन सा ग्रुप, मेडियन ग्रुप। तो मेडियन ग्रुप हमारा हो गया 40 से लेके 60, ठीक है। अब हमारा मेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेडियन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये ध्यान रहे कि ये एल प्लस ऐसे कुछ है, ये होता है ना। अब वैल्यूज को प्लग इन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भैया हमारा मेडियन बराबर हम क्या लिख देंगे, मेडियन बराबर हमारा एल क्या है, तो ये जो मेडियन ग्रुप आया है उसका, ये जो मेडियन ग्रुप आया है उसका ये 40, ठीक है ना, आप इसे देख सकते हो, दिस इज मेडियन ग्रुप। तो ये 40 हो गया, प्लस एन बाई 2 का मतलब 11, और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो आपका ग्रुप आया है मेडियन ग्रुप के, उसके जस्ट पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, तो इसके जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, तो ये 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी
तो फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन ग्रुप का, तो इसी का फ्रीक्वेंसी कितना है 5, और इनटू एच का मतलब इसमें जो डिस्टेंस है, तो 40, 50, 60 यानी कि 20, तो ये 5 × 4 = 20 हो गया, और ये 11 में से 10 गया तो 1 होगा, यानी कि 40 और प्लस 1 × 4 यानी कि हो जाएगा 44, तो मीडियम मार्क्स जो है वो आपका 44 हो गया, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन को बना पाओगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9, 14 .. इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम देन राइट द न्यू AP। दो क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तो हमको फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा T2 - T1, या कोई भी टर्म में से जस्ट पहले वाला टर्म को घटा देते हैं तो आप कोई भी पकड़ सकते हैं। तो 9 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो ये 5 बचता है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। फिर कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन में, एक तो ये आंसर हो गया हमारा, इसको हम आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर हम AP का फर्स्ट टर्म को चेंज करके 6 कर दें, पहले क्या था 4 था, 6 कर दें, और कॉमन डिफरेंस इन्होंने बोला रिमेन्स द सेम देन द न्यू AP, है ना, देन द न्यू AP, तो न्यू AP हमारा क्या हो जाएगा 6, और अब 6 में हमको क्या जोड़ना होगा 5, है कि नहीं, यानी कि 6 × 5 = 11, फिर 6 + 2 × 5 .. यानी कि 6, 11 और 11 में 5 जोड़ दिए तो 11 और 5 = 16, फिर 16 में 5 जोड़ दिए 21 .. दिस इज माई न्यू AP। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले जो भी आपको दिया है उसमें कहानी है कि मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, तो मॉड हमें दिया हुआ है कितना, तो मॉड हमें दिया हुआ है 38, और कह रहा है कि तब x का वैल्यू निकालिए, इस x का वैल्यू आपको निकालना है। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए, मॉड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। तो मॉड बराबर होता है L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 और N2 में होता है H, ठीक है, जहाँ पे L होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉड क्या होता है सबसे पहले ये समझिए, मॉड होता है ऐसा कलेक्ट मतलब क्लास मतलब ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार आता है हमारे स्टेटिस्टिक्स में, डाटा में। तो डाटा में जो सबसे अधिक बार होता है उसे मॉड कहते हैं। तो जब जो सबसे अधिक बार आता है इसको हमको दे दिया है इन्होंने 38, तो 38 जो है इसको बताया गया कि 0 से 10 तक का जो नंबर है वो 7 बार आया है, माने 0 से 10 के बीच वाला नंबर, फिर 10 से 20 के बीच वाला नंबर 9 बार आया है। तो अगर हमको सबसे अधिक जो नंबर दे दिया है कि 38, इसका मतलब हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हमारा हो गया 38 का मतलब 30 से 40 के बीच में होगा, क्योंकि 40 से तो कम है हमारा मॉड, 38 इसी में होगा, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में, इस मॉडल क्लास में आपको ये समझना होगा कि L क्या होता है, है ना, L क्या होता है, ये सारी कहानी क्या होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि L होता है हमारा लोअर लिमिट, L होता है हमारा लोअर लिमिट। तो ये हो गया हमारा कितना मॉड, तो इन्होंने 38 दिया तो 38 लिख दो, L का वैल्यू क्या लिख दो 30, फिर प्लस, और ये F1 - F0, तो F1 क्या होता है, जो हमारा मॉडल क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, तो ये हमारा 16 हो गया, माइनस F0 कहते हैं उसके जस्ट पहले वाली की फ्रीक्वेंसी को, तो 12 हो गया, क्योंकि 16 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हो गई, और नीचे 2 × F1, तो F1 का मतलब 16 होगा, और माइनस F0, तो F0 का मतलब आपका 12 हुआ, और माइनस F2 का मतलब होता है जस्ट इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो माइनस में X हुआ, और N2 में H होता है इस क्लास इंटरवल का लेंथ, तो 30 से 40 के बीच का लेंथ कितना होगा 10 का, तो ये हो जाएगा 10। अब 30 को इधर भेज दो तो 38 - 30 हो जाएगा, और इधर 16 में से 12 घटेगा तो 4 बनेगा, और नीचे 16 × 32 -12 और -X और N2 में 10, तो ये आपका हो जाएगा 8 = 4×10 = 40 और डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा 20 और -X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, बाई वन करके,
तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 1। अब 8 को उधर भेज दिया जाए तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा 8 फाइव या 40, एक्स को उधर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा और 5 को इधर भेज दें तो 20 में से घट जाएगा यानी कि 15, यानी कि जो x का वैल्यू है आपका वो आपका आ गया 15। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें लिखा है कि एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर डी ई ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें ये बोला है कि अगर एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होगा, वो प्रूफ करिए। और इसमें आपको पूरी तरह से फिगर बना बना के दे दिया है, तो उस वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वीडियो तो पूरे सर्कल का एनसीईआरटी का बना हुआ है, लेकिन अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसके थ्रू आप जाइएगा तो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे जंप करके चले जाइएगा और वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए उस लिंक के थ्रू आप जाने सीख जाइए सबसे पहले। तो इसमें आपका एक और करके क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेटरल एबीसीडी, यानी कि एबीसीडी एक क्वाड्रेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। गिवन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी जो टोटल है उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, फिर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, तो ए डी का लंबाई जो है वो कितनी होगी आप बताइए, क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी लंबाई हमको निकालना है, तो एक काम करते हैं, एक थ्योरी हम पढ़े हुए हैं कि अगर एक सर्कल पे, सुनिएगा ध्यान से, एक सर्कल पे एंड पॉइंट से दो टेंजेंट यदि खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में होती है बराबर, यह हमारा थ्योरम है। तो यही वाला थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे, एक बाहर में हमारा ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से ये पॉइंट जो है वो और ये पॉइंट जो है वो टेंजेंट होगा, तो अगर हम इस लेंथ को एक्स बोलते हैं तो ये लेंथ भी हमारा एक्स होगा। उसी तरह से फिर हम ये बोलें कि अगर बी पॉइंट से हमारा जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लो हम वाई मान लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक भी वाई होगा। उसी तरह से सी से जो सी एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से अगर यहाँ की दूरी को जेड मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी जेड होगी। फिर डी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं तो डी से यहाँ तक की दूरी को अगर हम क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी डब्ल्यू होगी। तो इसका मतलब हमको निकालना है एक्स प्लस डब्ल्यू का वैल्यू, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, जरा देखिएगा, हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। उसी तरह से अगर हम ये देखें y प्लस जेड तो y प्लस जेड हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, और उसी तरह से हमारा z प्लस w कितना है तो z प्लस w है हमारा 4 सेंटीमीटर, और AD हमारा है वो है हमारा x प्लस w, ठीक है। तो इसका मतलब हमको x प्लस डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने मतलब इंस्क्राइब करता है, मतलब सर्कल जो होता है अगर अंदर होता है क्वाड्रिलेटरल के तो उसके आमने सामने का साइड का जो सम होता है वो बराबर होता है, यानी कि ए बी का सम सी डी के बराबर होगा, और सॉरी ए बी प्लस सी डी का सम ए डी और बी सी के सम के बराबर होगा। मतलब ये कि ए बी प्लस डी सी बराबर आप लिख सकते हैं बी सी प्लस ए डी, आप करके भी देख सकते हो। ए बी का लंबाई को क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई लिखोगे, और डी सी की लंबाई को क्या लिखोगे, डब्ल्यू प्लस जेड लिखोगे, और बी सी की लंबाई कितनी होगी तुम्हारी, वाई प्लस जेड होगी, और AD की लंबाई कितनी होगी, X प्लस W होगी। तो देख लो इसमें भी हमारा X प्लस, देखिएगा ध्यान से, X प्लस W प्लस Y प्लस Z आएगा, इसमें भी आपका X प्लस Y प्लस W प्लस Z ही आएगा, यानी जो क्वांटिटी इधर है वही क्वांटिटी इधर है। तो अगर ये बात हमको पता है कि ये होता है, अगर ये बात सही है तो हम यहाँ पे AB का वैल्यू को लिख सकते हैं कितना, वहाँ से A से B तक हमें 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, फिर DC उसके सामने है जो कि 4 दिया है वो लिख देंगे, और बराबर BC की लंबाई हमें B से C तक 7 दिया है,
और प्लस ए से डी तक की लंबाई हमें निकालनी थी, तो ये ए से डी लिख देंगे। अब 6 4 10 हो गया, और 10 में से 7 घटा दो तो तुम्हारा बराबर के उधर क्या बच जाएगा, ए डी। तो इस तरह से ए डी की लंबाई हमें प्राप्त हो गई 3 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। तो एक कहानी क्या सीखे तुम लोग, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो सर्कल के जो सर्कमस्क्राइब करने वाला क्वाड्रिलेटरल होता है उसके आमने सामने का जो साइड होता है उसका जोड़ बराबर होता है। यानी कि डीसी का सम एबी के साथ लिया जाए और बीसी का सम एडी के साथ लिया जाए तो उसके सम के बराबर होता है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ भी किए हैं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इतना, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका भी प्रूफ आप देख लेना, ठीक है जी। चलिए अब देखिए बच्चों, सेक्शन ए इसमें रहने देते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, और सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो उसका वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। जल्द आने का मतलब इन द सेंस कि अभी जितना टाइम में ये मिला आपको उसके 2 घंटा 3 घंटा के बाद वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसे लाइक करें, और बच्चों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और उन्हें बताएं कि इस तरह से पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, ताकि वो भी हमारे वीडियोस को देखें और लाभान्वित हों, वो भी और मैं भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।